हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू एल्केमी एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे स्टीम ब्लोइंग के बारे में। तो ये स्टीम ब्लोइंग क्या है? एक मेथड है फ्लशिंग का। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लशिंग मेथड होते हैं, एयर ब्लोइंग, कार्डबोर्ड ब्लास्टिंग, पिगिंग, रोटोमल क्लीनिंग, ऐसे ही हमारा एक मेथड है स्टीम ब्लोइंग, जो कि हम यूज़ करते हैं स्टीम के लाइन्स को क्लीन करने का। तो जैसा कि मैं अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिस्कस कर रहा था कि मेकिंग ऑफ एन इंडस्ट्री, मतलब एक इंडस्ट्री को बनाने में उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से प्री कमिशनिंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल्स में डिस्कस कर रहा था। तो उसी के सिक्वेंस में मैं डिस्कस करूँगा स्टीम ब्लोइंग के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, क्या एक्टिविटीज़ इन प्री कमिशनिंग, तो इसमें अभी इस लेसन में मैं पाइपिंग के रिस्पेक्ट में डिस्कस कर रहा था कि पाइपिंग सिस्टम को पूरा कमीशन करना है तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया था क्या, ये एयर ब्लोइंग हो गया, आइसोमेट्रिक एंड P&ID वेरिफिकेशन हो गया, मैकेनिकल क्लीयरेंस हो गया। ये एयर ब्लोइंग जो की है, ये क्या है, सबसे पहले मतलब स्पूल इरेक्शन करने के टाइम सबसे पहले प्री क्लीनिंग का एक मेथड है। लाइक स्पूल को वेल्डिंग करने से पहले, इरेक्शन करने से पहले उसको क्लीन करके बेसिकली एक बिटनेस कर लेते हैं, एयर से क्लीन कर लेते हैं, फिर उसको इरेक्ट करते हैं, बाद में भी फ्लशिंग करते हैं। फिर आता मैकेनिकल क्लीयरेंस, देन हाइड्रोटेस्ट और फिर आता फ्लशिंग। तो क्या ये सारी चीज़ें जो है, ये मैंने अपने प्रीवियस लेसन में कवर कर लिया। उन सब का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। इसी के सिक्वेंस में मैं डिस्कस कर रहा था फ्लशिंग के बारे में। फ्लशिंग के बारे में जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा वो क्या है, वो स्टीम ब्लोइंग के बारे में डिस्कस करूँगा। तो उसमें भी डिफरेंट मेथड से, एक तो एयर ब्लोइंग, कार्डबोर्ड ब्लास्टिंग जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, देन आफ्टर दैट सर्विस ब्लोइंग ये आपको बता चुका हूँ, रोटोमल क्लीनिंग और पिगिंग ये बताना बाकी है। तो सबसे पहले आज मैं इस लेसन में स्टीम ब्लोइंग के बारे में बता दूंगा, फिर ये दोनों के बारे में, मेथड ऑफ फ्लशिंग के बारे में बताऊँगा। देन केमिकल क्लीनिंग, बॉक्सअप और लीक चेक एंड एनर्टाइजेशन, ये सारा चीज़ आप कमीशन कर लो, मतलब प्री कमीशनिंग कर लो, तुम्हारा पाइपिंग के रिस्पेक्ट में वो चीज़ क्या ऑलमोस्ट कमीशन हो जाता है। तो अब डिस्कस करते हैं स्टीम ब्लोइंग के बारे में। तो सबसे पहले स्टीम ब्लोइंग, जैसे नाम ही बोलते हैं स्टीम ब्लोइंग, मतलब हमें स्टीम को ब्लो करना है। तो जैसे पाइप्स होते हैं, तो किस टाइप के सर्विस हमें स्टीम ब्लोइंग हम यूज़ करते हैं? एक तो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं किस सर्विस में, स्टीम वाली लाइन। जैसे बहुत सारे नेटवर्क, फर्स्ट टाइम में जब आप कोई सिस्टम कमीशन करोगे तो क्या होगा, लाइक नेटवर्क होगा, वो स्टीम का भी नेटवर्क, क्या एक एक दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच दस दस किलोमीटर का नेटवर्क रहेगा। तो वो पाइपलाइन डिपेंड करता है आपका इंडस्ट्री कितना बड़ा है, किस यूनिट में आप काम कर रहे हो। तो जितनी भी स्टीम की लाइन्स होती हैं उसको फ्लश करने के लिए क्या होता है, स्टीम ब्लोइंग करते हैं। रीज़न बीइंग कि जैसे कभी कभी आप कहोगे से स्टीम ब्लो, तो स्टीम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, कहीं पर रिबॉलिंग यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पर क्या आपको टरबाइन, मतलब पावर टरबाइन मोटर ड्रिवन होता है, मतलब मोटर ड्रिवन पंप चलाने में काम आ सकता है या पावर जनरेशन के काम आ सकता है। तो सोचो किसी लाइन से आपका स्टीम ब्लो करेगा और किसी के टरबाइन के ब्लेड पे वो स्टीम हिट करेगा, वहाँ से वो उसका रोटर रोटेट करके पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, उस रोटर का RPM कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और उस टाइम पर जो स्टीम आपका जा रहा है उसमें डस्ट पार्टिकल इनकेस आ गए तो क्या होता है, एक बुलेट की तरह काम करते हैं, मतलब उसके मतलब ब्लेड्स को भी डैमेज कर सकते हैं, उसको इरोड कोरोड कर सकते हैं। तो उस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या होता है, पाइपिंग सिस्टम का प्री कमीशनिंग करते हैं, उसमें स्टीम ब्लोइंग करते हैं, पहले से जितना भी कचरा अंदर से स्टीम को उसमें ब्लो करके उसको रिमूव करना होता है। तो हम इसको अगर इंडस्ट्री में प्री कमीशनिंग करने जा रहे हैं, लाइक स्टीम ब्लोइंग करने जा रहे हैं, तो पर्पस आपको बता दिया क्या करना, लाइन को क्लीन करना स्टीम के द्वारा, बेसिकली स्टीम वाले सर्विस में होता है। अब हमें मिल गया कोई टास्क कि इस वाले नेटवर्क का हमें स्टीम ब्लोइंग करना है कोई, तो एक छोटा सा मैंने नेटवर्क लिया है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब हमें इसको क्या है, क्लीन करना है। मान लो ये कहाँ पे जा रहा है, हमारा स्टीम जा रहा है कहीं पे टरबाइन, मान लो कहीं टरबाइन में ही जा रहा है ये चीज़, इसको हमें क्या करना है, कमीशन करना है, करेक्ट। अब ये स्टीम की रेड लाइन से मैंने दिखाया, ये क्या स्टीम की लाइन होगी, इसका साइज दिखा दिया मैंने, 20 इंच का साइज है। अब इसको हमें क्या करना है, स्टीम ब्लो करना है। यहाँ से ब्रांचेस भी निकल सकते हैं, कहाँ कहाँ पे जा रहा है, अलग अलग ब्रांच भी निकल सकता है, 8 इंच 6 इंच का। तो ऐसे जितने भी नेटवर्क रहेंगे ना, उसमें लूप डिवाइड होता है कि इस वाले नेटवर्क का ब्लो वन होगा, ऐसे ब्लो पॉइंट डिसाइड होता है, तो एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, तो
बेसिकली पूरे नेटवर्क को क्लीन करना होता, तो ऐसा नहीं स्टीम डाल दिया एक सिस्टम में, पाइप में डाल दिया, वो एक जगह से निकाल दिया तो मतलब क्लीन हो गया। जितने भी पॉसिबिलिटीज फिजिबिलिटीज फिजिबिलिटी जहाँ पे डेब्रिस रह सकता है उसमें मतलब हाई स्पीड से उसको क्या है आपको स्टीम भेजोगे, उसको क्लीन करोगे। अब इसको क्लीन करना, अब इस सिस्टम को सबसे पहले स्टीम ब्लोइंग करने से पहले हमारे पास चेक पॉइंट देखना है, मतलब आपका सबसे पहले तो यही क्लियर होना चाहिए कि आपके जैसे हाइड्रो टेस्ट वगैरह हो गए हैं, होने के बाद आपका सिस्टम स्टीम ब्लोइंग के लिए रेडी है कि नहीं, तो वो चेक पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो आपको स्टीम ब्लोइंग के लिए अगर आपको काम करना है यहाँ पे, तो चेक पॉइंट्स हैं सबसे पहले, ये सारे आपके चेक पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहले रिमूव इनलाइन इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब इसके अंदर जो भी इनलाइन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनलाइन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, अंदर से आपका अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर हो गया, कंट्रोल वाल्व हो गया, ऑरिफिस प्लेट हो गया, क्योंकि हिंड्रेंस की तरह जब स्टीम ब्लो होगा तो हिंड्रेंस की तरह वो काम करेंगे, उसमें रहेगा तो उसको भी डैमेज कर सकते हैं। एंड दोज इक्विपमेंट्स मतलब कॉस्ट उनका बहुत ज़्यादा, दे आर हाईली मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली होते हैं वो, तो इसलिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स को, तो आप सबसे पहले तो लूप बना लोगे ऐसा कि हमें इस वाले नेटवर्क का करना, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपको निकालने हैं, इनकेस कंट्रोल वाल्व उसको ड्रॉप करके आपको, जैसे कंट्रोल वाल्व कहीं कहीं लाइन पे आ गया, मान लो ये नेटवर्क में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इस वाले नेटवर्क में कंट्रोल वाल्व आ जा रहा है। अब ये कंट्रोल वाल्व तो आप लाइन में ले नहीं सकते क्योंकि इस कंट्रोल वाल्व डैमेज हो सकता है, तो इसको आप रिमूव करके क्या करोगे, एक स्पूल फैब्रिकेट करोगे उस पाइप साइज का। तो वो स्पूल बेसिकली क्या है, आपको पाइप में आप जितने भी साइज का है रेटिंग का उसका स्पूल टेम्प्रेरी लगा दोगे ताकि उससे आपका स्टीम पास हो जाए। तो इनलाइन इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, डिसकनेक्ट इक्विपमेंट, मान लो ये इक्विपमेंट आगे टर्बाइन से मिल रहा है तो इसको डिसकनेक्ट कर देना, यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट लगाना है। अब स्टीम ब्लोइंग में भी दो तीन टाइप के होते हैं, एक तो सर्विस ब्लोइंग हो गया, आपका टारगेट ब्लोइंग हो गया, केम स्टीम ब्लोइंग हो गया। तो जब यहाँ पे ऐसे इस इक्विपमेंट में डिस्कस करते हैं, क्या मजलर लगाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे मजलर लगाते हैं यहाँ पे स्टीम, इसका मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा तो एक्चुअल प्रैक्टिकली में कैसे होता है। तो यहाँ पे मजलर लगाते हैं, मजलर लगा देंगे तो वहाँ से आके स्टीम निकलता रहेगा, बेसिकली उसका पर्पज होता है साउंड को कम करना और उसकी इंटेंसिटी को कम करना जब स्टीम निकलता है। तो एक तो ये हो गया डिस्कनेक्ट, आपने इक्विपमेंट कर दिया, देन स्पूल पीस फिक्सिंग इन प्लेस ऑफ फ्लो मीटर्स, तो जो भी आपको बताया फ्लो मीटर्स हो गया, कंट्रोल वाल्व हो गया, उनको ड्रॉप करके आपको क्या करना है, आपको स्पूल पीस लगा देना। फिर देन टेम्प्ररी अरेंजमेंट, मतलब वही टेम्प्ररी अरेंजमेंट मतलब कि आपको कहाँ से निकालना है, लाइक अगर ऐसे ब्लो वन ब्लो टू ब्लो थ्री पॉइंट ऐसे बनाया आपको, सपोज यहाँ तक लाइन तो क्लीन करना है, यहाँ पे क्लीन करना है, टर्बाइन से कनेक्टेड है, तो आप यहीं पे स्टीम ब्लोइंग तो कर नहीं पाओगे एकदम, तो उसको सेफ लोकेशन पे ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो टेम्प्रेरी अरेंजमेंट हार्ड पाइप का फैब्रिकेशन होगा, ये पहले ही आपको मैकेनिकल को रिक्वायरमेंट देना होगा कि ठीक है ये इतना सा यहाँ पे ब्लो पॉइंट आएगा। इसके भी वेंडर होते हैं स्टीम ब्लोइंग के, मतलब वेंडर होते हैं वो लोग रहते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, डिपेंड करता है इंडस्ट्री में कैसे करना है, और यूनिट वालों को खुद ही फिजिबिलिटी लगता है कि वो खुद कर लेंगे इतने टन के हिसाब से, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस कंपनी पे करना चाहती है कि नहीं थर्ड पार्टी को उसके हिसाब से। तो ये टेम्प्रेरी अरेंजमेंट आप यहाँ पे लगा दोगे, टेम्प्रेरी अरेंजमेंट लगाने के बाद ये मजलर वगैरह आप लगा दो तो स्टीम ब्लोइंग फिर आप स्टार्ट करोगे। तो एक तो हो गया टेम्प्रेरी अरेंजमेंट आपने कर लिया, चेक लाइंस फॉर सपोर्ट्स लूप्स फॉर एक्सपेंशन, तो आपको पाइप लाइन चेक करना है इसमें जो हाइड्रो टेस्ट वेंट है ओके वो, या हाइड्रो टेस्ट ड्रेन पॉइंट है वो सारे वेल्ड हो गए कि नहीं हो गए, सपोर्ट्स जो लगे हैं यहाँ पे आपके जितने भी टाइप के सपोर्ट्स उसमें लगे हैं वो सपोर्ट्स मतलब सही है कि नहीं, बताया स्टीम ब्लोइंग किया लाइन फ्री है, जैसे स्टीम चार्ज किया हैमरिंग किया और लाइन टूट गया। तो मतलब सबसे बड़ा जो मतलब रिस्क होता है स्टीम ब्लोइंग में वो क्या होता है, हैमरिंग का होता है। अब हैमरिंग क्या होता है ये भी बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया कि स्टीम ब्लोइंग में चेक पॉइंट क्या है, तो ये चेक पॉइंट आपको करना है स्टीम ब्लोइंग एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले। अब आपका लूप रेडी हो गया, तो मैंने क्या बताया आपको कि स्टीम की लाइन हो गया, ये इसको क्या बोलते हैं बूट लेग, ये आपका आईबी हो गया मतलब आइसोलेशन वाल्व हो गया, यहाँ तक का आपको लूप को आपको क्या स्टीम ब्लोइंग करके क्लीन करना है। अब इसमें देखो कहीं कहीं बूट लेग रहेगा, यहाँ से आपको रहेगा ये बूट लेग का ड्रेन रहेगा, और ये क्या है एक लाइन वहाँ से ड्रेन रहेगा, ये ट्रैप रहेगा और ये सोक पिट। तो इसका काम क्या होता है ट्रैप का, तो क्या होता है जब फर्स्ट टाइम आप स्टीम ब्लोइंग करने जाते हो तो क्या पूरी लाइन तो ठंडी रहेगी,
अब स्ट्रीम डिपेंड करता है आप एलपी स्ट्रीम की लाइन है, एमपी स्ट्रीम की लाइन है, एलएलपी स्ट्रीम की लाइन है, सबका प्रेशर अलग अलग होता है। जैसे एलएलपी स्ट्रीम का 2.5 केजी होता है, एलपी स्ट्रीम का 4 से 5 केजी होता है, देन एमपी स्ट्रीम का 15 से 18 केजी होता है, एचपी स्ट्रीम का 36-38 केजी होता है। इसके हिसाब से क्या होता है, आपका प्रेशर वारी करता है। तो उस हिसाब से आपको अरेंजमेंट बनाना होगा किस सर्विस का है उसके हिसाब से। तो जब आप स्ट्रीम ब्लो करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपको लाइन को वार्म अप करना है। ऐसा नहीं तुरंत आपने ओपन कर दिया स्टीम, तो जैसे वार्म अप क्यों करते हैं, क्योंकि क्या लाइन ठंडा रहेगा, आप जैसे स्टीम थोड़ा सा करा लोगे तुरंत कंडेंस होने लगेगा। तो इससे क्या कहते हैं कि आपके पाइपलाइन को जो एग्जिस्टिंग जहाँ से आप स्टीम प्रोवाइड करोगे, ये मान लो ये स्टीम हो गया, यहाँ से आप स्टीम प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा कि ये लाइन तो हॉट मतलब हॉट रहेगा। यहाँ पे आप देखो, मान लो ये आई भी हो गया, इधर का लाइन क्या है आपका हॉट हो गया और इधर का लाइन कोल्ड। तो यह वार्म अप लाइन मतलब कहीं कहीं पे तो बाईपास दे देते हैं उसका वार्म अप करने के लिए, कहीं कहीं पे क्या इसको क्रैक गेट वाल को क्रैक ओपन कर लेंगे, मतलब आधा थ्रेड एक थ्रेड ओपन कर लेंगे। तो वो स्टीम उतने टेम्परेचर वाला यहाँ से पाइपलाइन में ट्रेवल करेगा, तो जैसे ट्रेवल करेगा ये कोल्ड रहेगा, यहाँ पे वो इसका पाइपलाइन से स्टीम टच होगा तो कंडेंस होना, तो एक्युमुलेशन ऑफ क्या होता है वाटर होगा। तो उस वाटर को अगर आप नहीं निकालोगे तो जब फुल बोर से आप स्टीम डालो क्या होगा, वाटर उसके साथ ट्रेवल करेगा। और जहाँ पे भी कभी आपका सपोज पाइपलाइन आ रहा है और आपको बेंड मिल गया तो इतना ज़्यादा इंपैक्ट होगा इस बेंड पे और सपोर्ट सही से नहीं रहा तो इसको पूरा क्या होगा तोड़ देगा, पाइपलाइन को तोड़ देगा, सपोर्ट को ही तोड़ देगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए होता है जो एक्युमुलेटेड आपको वाटर होता है जहाँ भी स्लोप होता है वहाँ पे बूट लिख देते हैं, यहाँ पे वाटर भरता है वहाँ से इसको आप ड्रेन करते हो। कमिशनिंग का प्री कमिशनिंग के टाइम में क्या होता है, होस लगाते हैं स्टीम होस और सीधा ग्राउंड पे लाके देते हैं, जितना भी वाटर आता रहता है इसके थ्रू यहाँ से निकल जाता है। अब रीज़न ऑफ ट्रैप देने का रीज़न क्या होता है, स्टीम ब्लोइंग में जनरली ट्रैप को निकाल लेते हैं ताकि डैमेज ना हो। ट्रैप का पर्पज़ क्या होता है कि अभी तो स्टीम की लाइन है, अब इसमें स्टीम ट्रैवल का हमारा मेन पर्पज़ क्या है, स्टीम क्या कॉस्टली होता है, तो जो भी कंडेंसेट और स्टीम इसके थ्रू आएगा तो ये ट्रैप का काम क्या है, कंडेंसेट को अलाउ करेगा वो सोक पिट में चला जाए, ओके। या अगर कहीं पे दूसरे हेडर में जाके कनेक्ट हो रहा है कंडेंसेटर में तो वहाँ पे रूट अप कर दो। और ट्रैप का क्या है, स्टीम को ट्रैप कर लेना ताकि उसको स्टीम का लॉस ना हो पाए। और स्टीम लॉस अगर कम होता है मतलब आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो इसलिए ट्रैप का काम होता है। अब हम बात कर रहे थे स्टीम ब्लोइंग के रिस्पेक्ट में, अब ये वार्म अप हो गया, मतलब जो एग्जिस्टिंग लाइन है यहाँ पे टेम्परेचर है सेम टेम्परेचर यहाँ पे है, उसको आपने लाइन अप कर दिया, लाइन अप करने के बाद टेम्परेचर सेम आ गया। जैसे ही आप आईबी ओपन करोगे यहाँ फ्लो आना, ये अरेंजमेंट टेम्परेरी आपने लगा लिया, ये सब आइसोलेट कर लिया जितनी ब्रांचेज हैं, अब एक पॉइंट पे जहाँ पे आपने मजरा दिया यहाँ पे आप स्टीम ब्लो कर रहे हो, तो आप वहाँ पे दोगे मतलब 100 टन पर आवर या 200 टन पर आवर, डिपेंड करता है कैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे फ्लो दोगे। अब ये फ्लो आएगा तो इतने फ्लो से आएगा कि जितने भी डेब्रिस वब्रिस होंगे वो निकलने, शुरू में जब देखोगे आप तो आप देखोगे मतलब बहुत डर्टी टाइप का होता है जो स्टीम निकलता है, बहुत डर्टी रहता है वो। ओवर द टाइम क्या, जैसे आपका 3 घंटे 4 घंटा चलेगा तो क्लीन होना स्टार्ट होता है, वो एक टाइम के बाद आया कि एकदम क्लीन स्टीम निकलने लगा, तो 4-5 घंटे बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि ये एकदम क्लीन हो गया। तो आपको तब तक करते रहना 4-5 घंटे तक स्टीम ब्लोइंग जब तक आपको एकदम क्लीन स्टीम ना निकलने लगे। तो इस हिसाब से आप स्टीम ब्लोइंग कर लोगे, उसके बाद जब हो गया तो टेम्परेरी अरेंजमेंट निकाल लो, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आप निकालो उसको लाइन अप कर दो, सबको बॉक्स अप कर दो, आपका सिस्टम रेडी हो गया। बट एक पॉइंट जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली क्या होता है अगर हम स्टीम को एक्सपोर्ट करते हैं और वो कहीं पर रिवॉल्विंग यूज होता है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट आपका रोटरी इक्विपमेंट में जहाँ भी कनेक्टेड रहेगा लाइक टर्बाइन ऑपरेटेड या आपका कंप्रेसर हो गया या फिर आपका मोटर हो गया या पंप हो गया, तो उस केस में क्या होता है कि इवन पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं उसके ब्लेड्स को, मतलब टर्बाइन के ब्लेड्स को। तो उस केस में क्या करते हैं, टारगेट ब्लोइंग कर दें। टारगेट ब्लोइंग में क्या होता है, यहाँ पे बीच में कहीं पे एक टारगेट का इंसर्शन करेंगे, तो टारगेट ऐसा आपका लग जाएगा, मतलब छोटा सा ऐसा टारगेट ऐसा उनका टारगेट में क्या होता है ब्लेड जैसा एक अरेंजमेंट होता है ऐसा, और ये बीच में लगा देंगे उसके, तो क्या होगा स्टीम आके इस पर हिट करेगा। तो उनका क्राइटेरिया होता है मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में नंबर ऑफ जो पिट्स आपके बनेंगे जो उस पर हिट करेगा पार्टिकल, वो एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक से ज़्यादा मतलब आपको कंटिन्यू स्टीम ब्लोइंग करना है, मतलब आपका डस्ट पार्टिकल नहीं निकला है। तो इस हिसाब से टारगेट ब्लोइंग को भी कवर कर, मतलब इस हिसाब से टारगेट ब्लोइंग भी करते हैं।
तो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये स्टीम ब्लोइंग था, आपको क्लैरिटी हो गया। अगर मैं इसको समराइज करूँ तो सिंपल सा शब्दों में कहें तो स्टीम ब्लोइंग का काम क्या है, लाइन को क्लीन करना। लाइन को अगर क्लीन करना है तो कौन कौन से चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है मतलब आपको सिस्टम रेडी करके देना। सिस्टम रेडी करने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स निकालना हो निकालो, आपको लूप को रेडी करना है, आपको टेम्परेरी अरेंजमेंट लग रहा है तो लगाओ, इंसुलेशन अगर नहीं हुआ तो इंसुलेशन उसको करके दो। तो ये सिस्टम रेडी हो गया तो आपको स्टीम ब्लोइंग करना है। स्टीम ब्लोइंग क्यों करना है, उसको क्लीन करना है। उससे पहले आपको वार्म अप कर लेना है। वार्म अप करने के बाद आपका ड्रेन ये सब क्या, आप आपको स्टीम लाइन अप करने से आपको 100% ये होना चाहिए कि ये सब लाइन अप है। और आपने गलती से भी ये स्टीम चार्ज कर दिया, ये लाइन अप नहीं, कंडेंसेट अंदर रह गया पाइप में, डेफिनेटली आपकी पाइपलाइन को तोड़ देगा। तो वो इंटेंसिटी आपको समझना है, मतलब आप लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट रहते हो, आपकी एक गलती से मतलब इतने सारे लॉस होते हैं। और आसपास में मैन पावर काम करती है कंस्ट्रक्शन टाइम में, मतलब उनकी जान भी जा सकती है। तो ये बीइंग अगर आप कंस्ट्रक्शन में हो, वो जॉब को एग्जीक्यूट करते हो, तो यू मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। और आप काम ना करो चलेगा, बट यू मस्ट इंश्योर ईच एंड एवरी पॉइंट फॉर द सेम। सो गाइस दैट्स ऑल, ये समरी था छोटा सा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, आपको कुछ डाउट है, कुछ भी कमेंट आते हैं कि कुछ और जानना है, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और एक विल हैव अ हेल्दी डिस्कशन होगा देयर। और कुछ जानना है इसके अलावा, वो भी आप कमेंट कर सकते हो उस टॉपिक के बारे में। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।